सलमान खान पर लगातार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है और इस वक्त एक जानलेवा कंट्रोवर्सी सलमान के नाम फिर आ गई है। जी हाँ, किसने ये इल्जाम लगाया है सलमान खान पर, चलिए आपको बताते हैं और क्या ये पूरा माजरा है। आप सभी को बता दूं कि केआरके और सलमान खान के बीच पिछले काफी वक्त से अनबन चल रही है। एक वक्त ऐसा था जब सलमान खान की तारीफों के पुल बांधा करते थे केआरके, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, जब से इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत को खोने के बाद एक दुखी माहौल आया है, उस दौरान से लेकर अब तक लगातार केआरके जो है वो खान के अगेंस्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं केआरके ने कई बार इस बात का दावा किया है कि वो इंडस्ट्री से हर खान को मिटाकर ही दम लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सलमान खान का जिक्र ना करते हुए भी उन्होंने सलमान के बारे में बात करके कहा है कि उन्होंने एक सुपारी दी है गुंडों को मुझे मरवाने की। जी हाँ, इस बारे में ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को शेयर किया है, टैग किया है और लिखा है ट्विटर पर, डियर दिल्ली पुलिस एंड मुंबई पुलिस, प्लीज नोट, फर्स्ट समवन डिड सेंड मी मेल एंड क्लेम टू बी पीए ऑफ मिनिस्टर। ही आस्क्ड मी टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेन आई कॉल्ड हिम ऑन द गिवन नंबर, सो ही डिड कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम अदर व्हाट्सएप नंबर, ही क्लेम टू हैव रिकॉर्डिंग अबाउट मी। जी हाँ, इसके आगे वो कहते हैं दैट ही टोल्ड मी दैट सलमान खान हैज गिवन माय सुपारी टू मुंबई एंड दिल्ली पुलिस फॉर 50 crore rupees, ही सेड दैट मेनी मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, सो आई विल बी किल्ड व्हेनेवर आई विल गो टू इंडिया, ही क्लेम्ड टू हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ सलमान खान एंड मेनी पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिसर्स। जिसके बाद केआरके लिखते हैं, देन ही आस्क्ड मी टू पे हिम 10 लाख इन दिल्ली एंड गेट पेन ड्राइव्स फुल ऑफ रिकॉर्डिंग्स, ही क्लेम्ड दैट ही ट्राइड टू इन्फॉर्म शाहरुख also before the arrest of Aryan Khan because he knew that police is going to arrest Aryan, therefore I request you to investigate whether he is real or not। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अब इस पर आप लोगों का क्या है रिएक्शन, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बेटा अभी आ रही है पीछे, कैमरा पीछे लेना जा।